Hello students, good morning. We are going to study concept of the resolution. Nowadays in computer, mobile, laptop, in some mein ek characteristics hote hai unke ki resolution itna hai. To sabhi har koi ये कंसीडर करता है कि हाई रिजोल्यूशन मतलब पिक्चर अच्छी आएगी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी. बट उन्हें फिजिक्स की रियल मीनिंग उन्हें नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजोल्यूशंस. राइटली रिजोल्व करना, रिजोल्यूशन राइटली रिजोल्यूशन का सेंस क्या है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर एज ए सेपरेट नजर आए, दिस इज द रिजोल्यूशन. टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज ए सेपरेट नजर आए, उनके बीच में गैप नजर आए, दिस इज अ रिजोल्यूशन. सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टू ऑब्जेक्ट्स एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है, इनके बीच में डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस तुम्हें नजर आ रही है, व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है और लेट इट इज 0.1 मिलीमीटर. तो 0.1 मिलीमीटर से अगर मैं कम डिस्टेंस कर दूं तो तब तुम नहीं देख पाओगे. सो 0.1 मिलीमीटर इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर यू. बट अगर मान लीजिए मैं आई डिफेक्टिव है मेरी अगर, और मुझे तो 1.1 मैं नहीं देख पा रहा हूं, मुझे तो दोनों चिपके हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं इनके बीच में और गैप बढ़ा दूंगा, लेट 1 मिलीमीटर कर दिया, तब एज ए सेपरेट नजर आएंगे, तो वो मेरे लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हो जाएगा. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप टू विच यू कैन, द लीस्ट डिस्टेंस अप टू विच यू कैन से द टू ऑब्जेक्ट एज ए सेपरेट, वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगी. हमारे ह्यूमन आई के लिए, जनरल नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 1 मिनट. 1 मिनट मीन्स 1/60 डिग्री. इस मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, यहां पर एक रेड कलर है, एक ग्रीन है, इनके बीच में जब दोनों को आप देख रहे हैं तो इनके बीच से जो एंगल आ रहा है ये 1 मिनट एंगल बन रहा है हमारे ह्यूमन आई के लिए. फॉर आवर ह्यूमन आई इट इज, ये मान लीजिए ह्यूमन आई में ये ह्यूमन आई हो गया, दिस इज द ह्यूमन आई, ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो ये ह्यूमन आई है और यहां पर 1 मिनट एंगल बन रहा है. तो यू आप उन्हें को एज ए सेपरेट देख पा रहे हैं. बट अगर मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट हो सेपरेट ही, बट अगर लेस देन 1 मिनट है तो जनरली देख पाना मुश्किल है. कोई रेयर पर्सन हो देख ले एज ए सेपरेट, दैट्स अनदर थिंग, नॉर्मली आप नहीं देख पाएंगे. दिस इज द रिजोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन. रेलिप क्राइटेरिया फॉर द रिजोल्यूशन. रेलिप्स आपने कैसे डिफाइन किया कि ये रिजोल्यूशन होगा, ये रिजोल्यूशन की कंडीशन है. सो रेलिप क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, और उनके डिफ्रेक्शन बाय डिफ्रेक्शन पैटर्न काफी क्लोज है दोनों ऑब्जेक्ट, उनके डिफ्रेक्शन पैटर्न से जो सेंट्रल मैक्सिमा, इफ देयर सेंट्रल मैक्सिमा आर नॉट कोइंसाइडिंग, वो रिजॉल्व हैं, वो सेपरेट हैं. यह फिर आप इसमें भी देख लीजिए कि सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा एक बॉडी का है, ये अदर बॉडी का सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा आर नॉट कोइंसाइडेड एंड वन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इन द सेकंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर बॉडी. सेंट्रल, एक बॉडी का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरी बॉडी के सेकेंडरी मिनिमा पर कोइंसाइड कर रहा हो. पोजीशन ऑफ वन बॉडीज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ द सेंटर मैक्सिमा ऑफ अदर बॉडी सेम होने चाहिए, तो वो दोनों बॉडीज रिजॉल्व होंगे. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, और ये लेंस है, तो यहां से वेव ऐसे जाएगी, यहां पे इमेज बनेगी, ऑब्वियसली बहुत सही बात है, होता ही ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर. बट ये भी होता है, दूसरी बात भी होगी, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब साइज इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल, जस्ट एक एरो हम दिखा रहे हैं,
तो ये आप सेकंड केस में डिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, ये डिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, बाय द पॉइंट ऑफ डिफ्रैक्शन, आप देखें डिफ्रैक्शन, ये तो ये आपने देख लिया कि दिस इज अबाउट ए पॉइंट बॉडी ओ है, और इस ये दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, रेज ऐसे गई कन्वर्ज हो गई, यहां पे मिल गई, यहां इमेज बनेगी, एक पॉइंट पे इमेज मिलेगी, पॉइंट बॉडी की इमेज भी एक पॉइंट होगी ऑब्वियसली। अब बट इसी के जस्ट सेम वे है बट डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसमें क्या है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जस्ट पॉइंट, या आप यहां पे एक होल ले लीजिए, एक स्लिट बना लीजिए और इसके थ्रू वेव्स ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, ये भी जस्ट ए पॉइंट है। सो बाय डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पे फ्रिंजेस बनेंगी, रिंग्स बनेंगी, जबकि ये पॉइंट है तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा यहां पे बनेंगे रिंजेस, और ये अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, इस वजह से दो सेपरेट बॉडीज सेपरेट नजर नहीं आएंगी। तो ये दो पैटर्न है और दोनों पैटर्न को आपको माइंड करना पड़ेगा। ये रेलिफ, वन मिनट प्लीज, दिस इज रेलिफ इक्वेशन और ये रेलिफ क्रिटेरिया, आप देख लें रेलिफ क्रिटेरिया के अकॉर्डिंग ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये दो ऑब्जेक्ट्स की सेंट्रल मैक्सिमा है और ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और वन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन बॉडी इज रिजाइडिंग इन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ अदर बॉडी। तो अगर ऐसा होता है सो अकॉर्डिंग टू रेलिफ क्रिटेरिया द बोथ बॉडीज विल बी सेपरेट, दीज आर रिजॉल्व्ड। लेटर ऑन we are going to study resolving power of a microscope. So in microscope में आप consider कर लीजिए, with the help of microscope दो bodies तुम close कर रहे हो, two bodies काफी close हैं, very close हैं, with the help of microscope आप इन्हें देख रहे हैं। मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, आप ये देखिए, this is Yes. In this case, I am showing you के in microscope resolving power, तो practically ये दो objects हैं और इनके बीच की distance ये d है, और ये दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, इनके हेल्प से कोण एंगल बन रहा है, दिस इज द टू थीटा। सो अगर डी मोर है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मोर हो गया, रिजोल्विंग पावर लेस हो गई, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और वन अपॉन डी इज द रिजोल्विंग पावर। So D is proportional to wavelength, जो वेव आप यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप इन्हें देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, अगर वो मोर है तो D मोर होगा, एंड थीटा अगर इनके बीच में एंगल मोर बन रहा है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एंगल भी मोर होगा, तो अगर मोर एंगल है तो भी डी मोर होगा। ओवरऑल इसकी डेरिवेशन आपके यहां नहीं है, आपको सिंपली कंसीडर करना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपको सिंपल कंसीडर करना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ट्वाइस ऑफ म्यू साइन थीटा अपॉन लिमडा, ये फार्मूला आपका होगा, इसमें से म्यू इज द मीडियम, म्यू इज द मीडियम, जैसे कि मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लू, आप यहां पे दो
एक दो पॉइंट लीजिए, ये टू पॉइंट्स आप बनाइए, दीज आर टू पॉइंट्स, आप यहां पे टू पॉइंट्स बना लो, टू पॉइंट्स बना लिया आपने। अब इसके बाद इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब पुट कर दीजिए, ये ग्लास स्लैब पुट कर दिया, तो म्यू ऑफ ग्लास स्लैब इज मोर। तो अगर म्यू मोर है ग्लास स्लैब का तो ये आप देखोगे इनका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, ये मोर क्लियर नजर आएंगे, मोर सेपरेट नजर आएंगे, ये आप अपने घर पे बैठकर देख सकते हैं। तो यहां पर सेम वे हम एक ऐसी वेव यूज करें माइक्रोस्कोप में, एक वेव यूज करें जिसका जिसके लिए म्यू, सॉरी गलती हो गई, वेव लेंथ कम से कम हो, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। तो हम इसलिए जिस रूम में माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हम वहां पे ब्लू कलर यूज करते हैं, ब्लू कलर। और माइक्रोस्कोप जब यूज करते हो तो उसके ऊपर एक कोई ऐसी चीज ग्लास स्लाइड वगैरह पुट करते हैं जिसका म्यू मोर हो एंड थीटा, ये इनके बीच का एंगल हो गया। दिस इज द सेंस ऑफ रिजॉल्विंग पावर, ओनली फार्मूला को फोकस करना आपको, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन इसकी आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जैसे कि आप यहां से अर्थ से किन्हीं नियरेस्ट टू स्टार को देख रहे हैं, तो वहां से एक्चुअली इसका जो बेसिक फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डी अपॉन 1.22 लेमडा, डी इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर। तो जो टेलीस्कोप यूज करोगे उसका जो अपर्चर है ये टेलीस्कोप है, मान लीजिए दिस इज द टेलीस्कोप, ये आपका टेलीस्कोप है, दिस इज टेलीस्कोप, ये तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर मोर होना चाहिए, डायमीटर मोर होगा तो मोर लाइट इंटर करेगी, तो मोर लाइट इंटर करेगी आई पीस, तो आपको ज्यादा लाइट मिलेगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ऑफ द लाइट। और जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर है तो ज्यादा क्लियर नजर होगा, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। हाँ एक जरूर बात है कि यहां से आने वाली जो वेव है, जो लेमडा वेव, जो वेव है उसकी वेव लेंथ हम चेंज नहीं कर सकते हैं अपने रूम में। माइक्रोस्कोप के लिए तो हम चेंज कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप हम यूज करेंगे अपने रूम में, तो अपने रूम में तो हम ब्लू कलर यूज कर लेंगे जिससे उसकी वेव लेंथ कम से कम रहे। यहां पर भी हम चाहते हैं वेव लेंथ कम से कम रहे, बट किसी भी स्टार से जिस वेव, जिस फ्रिक्वेंसी की वेव आ रहे हैं, जिस वेव लेंथ की वेव आ रहे हैं वही आ रहे हैं, उन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ इतना जरूर आपको माइंड में रखना होगा कि अगर उनकी वेव लेंथ मोर होगी तो रिजॉल्विंग पावर लेस होगा, वेव लेंथ उनके लेस होगी तो रिजॉल्विंग पावर मोर होगा, ये लेस होगा तो ये मोर होगा और ये मोर होगा तो ये लेस होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।